नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। गोवा और पंजाब चुनाव का कार्यक्रम पूरी तरह एक साथ चलेगा। गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों पर और पंजाब में सभी 171 विधानसभा सीटों में चुनाव की प्रक्रिया इस तरह रहेगी। अधिसूचना 11 जनवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 जनवरी को होगी। उनकी जांच के लिए 19 जनवरी का दिन तय किया गया है। नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 21 जनवरी होगी, जबकि मतदान 4 फरवरी को करवाया जाएगा। उत्तराखंड में एक चरण में तो वहीं पर मणिपुर में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में करवाए जाने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 20 जनवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी होगी, जबकि उनकी जांच के लिए 28 जनवरी का दिन तय किया गया है। नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 30 जनवरी होगी, जबकि मतदान 15 फरवरी को करवाया जाएगा। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। यहां पहले चरण में 38 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी होगी, जबकि उनकी जाँच के लिए 16 फरवरी का दिन तय किया गया है। नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 18 फरवरी होगी, जबकि मतदान 4 मार्च को करवाया जाएगा। मणिपुर में दूसरे चरण में 22 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना 11 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 फरवरी होगी, जबकि उनकी जांच के लिए 20 फरवरी का दिन तय किया गया है। नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 22 फरवरी होगी, जबकि मतदान 8 मार्च को करवाया जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम के बारे में। बढ़ती उम्र के बच्चों को लगने वाली चोट क्या आपके बच्चों को भी परेशान करती है? अगर हाँ, तो अपनाइए ओसेप्ट, दर्द भगाने का नंबर 1 सॉल्यूशन। ओसेप्ट, दर्द से तुरंत आराम।